बाराबंकी के थाना जैतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने दो तस्करों को अवैध मार्फिंग के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम बलछट गांधी ग्राम रोड पर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को रोका और तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 800 ग्राम मार्फिन जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई गई है बरामद हुई है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपी जनपद के ही थाना सफदरगंज क्षेत्र के ग्राम जलीलपुर निवासी महेश कुमार पिता स्वर्गीय सुंदरलाल तथा पंकज वर्मा पिता राजेश वर्मा ने बताया कि हम लोग इस मार्फिन को टिकरा गांव में बेचने जा रहे थे। पुलिस ने इन दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार पिछले महीने से तस्करों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत ही कल बलछट गांधी ग्राम मोड़ के पास में दरोगा जी प्रमोद खरवार इनकी टीम प्रभारी निरीक्षक अमरेश पटेल और सर्विलांस की टीम के साथ सहयोग से इन लोगों को सूचना मिली। उसी आधार पे वहाँ चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग में ये दो व्यक्ति महेश कुमार पुत्र सुंदरलाल निवासी जलीलपुर थाना सफदरगंज और पंकज कुमार वर्मा पुत्र राजेश कुमार वर्मा निवासी जलीलपुर थाना सफदरगंज एक ये मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए थे और तलाशी में इनके पास 800 ग्राम मार्फिन बरामद हुई है। बरामद शुदा मार्फिन और मोटरसाइकिल के आधार पर इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी हो गया? इनका अभी तक आपराधिक इतिहास के बारे में पूरे जनपद से और बगल के अन्य जनपदों से भी पता किया जा रहा है। और जो बरामद शुदा मार्फिन है इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 2.5 करोड़ बताई जा रही है।